पुष्पांजलि विद्यालय छात्रा 17-19 वर्ष का शुभारंभ जो राज पुष्पांजलि विद्यालय बदाना के अंदर आयोजित किया गया। सबसे पहले मैं बदाना ग्राम पंचायत को, गांव को, पूरी स्कूल को मेरी तरफ से बधाई देना चाहता हूं शुभारंभ के अवसर पर कि आपने यहाँ पे आपका सफल आयोजन किया। सरपंच साहब प्रहलाद जी, बलदेव जी, हमारे प्राचार्य गोवर्धन जी, सम्मानित मंच समझ बधाना तो गुरु गांव की तरह। मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया। 3-4 दिन पहले सरपंच साहब का प्रधान अध्यापक का टेलीफोन आया था कि आपको आना है क्योंकि व्यस्तम कार्यक्रम थे। कल मैंने इनको कहा कि मैं आऊंगा और आप सबके दर्शन भी करूंगा, गांव की समस्याएं भी सुनूंगा। क्योंकि मैं छात्र राज्य विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचा हूं तो निश्चित रूप से छात्रों के जो भी कार्यक्रम होते हैं, शिक्षकों के जो भी कार्यक्रम होते हैं, मेरे छोटे भाइयों के, नौजवानों के जो भी आंदोलन कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता हूं, पूरा प्रयास करता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि नागौर जिला हमारा जो आज से 15-20 साल पहले, 30 साल पहले जब हम स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे, कॉलेज में थे, तब नागौर का नहीं तो कोई खेलों में नाम था, शिक्षा में नाम था। अब खुशी होती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे बच्चे क्रिकेट के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारे ही माटी के लाल इंडिया टीम के अंदर वो आपके सारे जो मैच इंडिया टीम के अंदर इंडिया इंटरनेशनल कई गेम यहाँ के हमारे किसान के बेटों ने खेले। और चूंकि क्रिकेट वैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है लेकिन लोग क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। जब भी क्रिकेट मैच चलता है वैसे मैं क्रिकेट मैच कम देखता हूँ, आपको बता, मुझे टाइम नहीं मिलता। बाकी हमारे ज्यादातर नेता अधिकारी और सारे जो अग्रणी लोग हैं जब भी क्रिकेट का मैच चलता है तो पूरा पूरा दिन इसके अंदर बिताते हैं। निश्चित रूप से क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लोकप्रिय, मुझे लग रहा है फुटबॉल से भी आगे क्रिकेट चला गया। फुटबॉल की लोकप्रियता ज्यादा थी लेकिन क्रिकेट आगे चला गया। और हम चाहते हैं इस खेल की सुविधाएं हमारे गांव छोड़ के अंतिम व्यक्ति जो है उसको, गरीब किसान के बेटे को सुविधा कैसे मिले। सुविधाओं का अभाव आप देखिए कि गांव में तो कोई मैदान है न कोई व्यवस्थाएं हैं। आप जहां भी देखोगे आजादी के 75वां अमृत महोत्सव सरकार मना रही है लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि टूर्नामेंट कराने के लिए हमें किसी न किसी की स्पॉन्सरशिप चाहिए, किसी न किसी भामाशाह को पकड़ना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य 75 साल बाद नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सरकार खेलों का बजट अलग से रखे, किसी तरह की कमी हमारे बच्चों के नहीं आनी चाहिए। टूर्नामेंट का भार अगर किसी स्कूल को दे दिया जाए तो मास्टर जी को इधर उधर हाथ फैलाना पड़ेगा कि भार तो दे दिया लेकिन खाने पीने की टीमों की व्यवस्था कौन करेगा, इसके लिए वो चिंतन के अंदर रहते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस मामले को लेकर भी बहुत बार लोकसभा विधानसभा के अंदर खेलों के अलग बजट की आवश्यकता इस देश को है। 125 करोड़ का देश है लेकिन जब वर्ल्ड कप होते हैं, एशियाड होते हैं या आपका दूसरे कप होते हैं तो उसके अंदर हमारी पदक तालिका देखो आप, एक आध गोल्ड मिलता है और एक दो रजत मिल जाता है। इससे अपने रास्ते कूद रहे थे, इंडिया ने एक पदक जीत दिया। इंडिया कितना बड़ा है, चाइना के बराबर आबादी है हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर, लेकिन आज भी चिंता किसी को किसी के नहीं। जो आगे बढ़ गया वो पीछे वाले को भूल गया और पीछे वाला है वो बेचारा पेट भरने में लगा, उसको खेल कहां से खेलेगा। अगर कोई बच्चा है वो खेलना चाहता है, उसके छोटे भाई बहन है और माता पिता बुढ़े हैं तो 10वीं पास करके पढ़ाई छोड़ देता है और महाराष्ट्र गुजरात जाके कमाई करके अपने परिवार का पेट पालता है या नरेगा कर आधी आबादी नरेगा में काम करके अपने परिवारों का पेट पाल रही है। कहने को विकसित भारत कहलाता है लेकिन विकसित भारत नहीं है। आज 20-30 करोड़ लोग
एक टाइम की रोटी खाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर है। गांव में पीने का मीठा पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं, स्कूल है तो अध्यापक नहीं, हॉस्पिटल खोल दिए डॉक्टर नहीं, अगर किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो नागौर में उसका इलाज नहीं है, आप जयपुर ले जाओ, जयपुर ले जाओ, रास्ते में मर जाएगा, कब जयपुर जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, कहां आप जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, कहां से इतना पैसा लाओगे। सरकार मुफ्त दवाएं बांट रही है, मुफ्त दवाएं जो ठीक होते मुझे लोग नहीं देते, सरकार को लोगों को रोजगार दे रही है, सरकार हर सरकार यही कर रही है कि अपना टाइम निकालो, वापस चुनाव कैसे जीते, हार जाए तो 5 साल लूट खसोट के उसको पचाए कैसे पैसे को, भाई इस देश प्रदेश को आगे बनाने के लिए मजबूत नौजवान नेतृत्व की आवश्यकता है। और हम तो चाहते हैं कि नए किसानों के बेटे राजनीति में आ गया है, खेलों में आ गया है, हमारी बेटियां आ गया है। ये नागौर आप देखिए कितना बड़ा जिला नागौर, दुर्भाग्य से हम अगर शिक्षा के अंदर होते आज पता नहीं नागौर कहां जाता। पहले तो 30 साल पहले तो ये देखते थे कि टोटल केरल की हमारी जो लड़कियां थी वही हर हॉस्पिटल के अंदर केरल की एनएम होती थी कि नहीं होती थी केरल। उसके बाद फिर राजस्थान आया तो राजस्थान में शेखावटी आया, शिक्षक दुनिया में धन्यवाद होगा शेखावटी के हमारी बच्चों को कि पूरे राजस्थान के हर भूभाग के अंदर धौलपुर के चंबल के भीड़ हो, चाहे ट्राइबल इलाके हो, चाहे बाड़मेर जैसलमेर के धोरे हो, वहां जाके उन्होंने काम किया, प्रयास किया, एजुकेशन में भी शेखावटी आगे था। धीरे धीरे अब हमारी बालिकाएं भी, हमारे बच्चे भी पिछले 10-15 साल से इस एजुकेशन के अंदर आगे आ रहे हैं, इस मेडिकल फील्ड के अंदर आगे आ रहे हैं, हर जगह आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय चला गया। अगर काश ये बात हमारे नेताओं ने 30-40 साल पहले सोची होती तो नागौर बहुत आगे होता, लेकिन आज भी जो स्थान आगे वहां भी आप हरियाणा देखिए, हरियाणा खेलों के लिए हरियाणा कितना आगे हमसे, वहां खेलों के लिए बजट की व्यवस्था भी सरकार करती है, और कोई गोल्ड मेडल अगर जीतता है तो उसको सरकार पुरस्कार तो देती रहती है, उसको बड़े स्तर की नौकरी भी मिलती है, तब आदमी ज्यादा प्रयास करता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, निश्चित रूप से मेरा काम ठीक होगा। और एक व्यक्ति अगर समाज में आगे बढ़ता तो 4 लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ खेलों के लिए अलग बजट की हम मांग करेंगे पुरजोर तरीके से, और ग्रामीण जो हमारे बच्चे हैं निश्चित रूप से इनकी जो स्टैमिना है, ताकत है, वो किससे छिपी नहीं। आज भी देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो हमारे किसान के बेटियों से देश की सीमाएं सुरक्षित है। आज दिन अखबार आप पढ़ोगे तो अखबार के अंदर ये जरूर मिलेगा कि फलां जगह आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, फलां जगह दुश्मनों से लोहा लेते हुए पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री, और यह हमारी आंतरिक जो सुरक्षा है, चाहे पुलिस हो, हर जगह हमारे किसान के बेटे बेटियां इस देश की रखवाली कर रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मुझे ये गांव बदाना जहां मैं खड़ा हूं, मेरे पिताजी को आपने विधायक बनाया 2 बार पहले, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव था, रिश्तेदारों का गांव है, और मुझे हर समय चाहे मैं निर्दलीय लड़ा, कोई सा भी टन लाया, मुझे आपने पुरजोर तरीके से पूरे इलाके से आगे रखा, आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। और मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि सत्ता छोड़ के अगर आपको लड़ता हुआ प्रदेश और देश के अंदर कोई नेता नजर आएगा जिसने अपनी पूरी जवानी कौम और किसान के खातर सत्ता से दूर रहकर सड़क पर लोगों को लड़ना सिखाया, अपने अधिकारों के लिए लोगों को लड़ना सिखाया, आगे बढ़ने का काम करवाया, और 36 को उनको साथ रख के भाईचारा सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया, उसे नागौर का सांसद ही होगा जिसे आप अथाह प्यार करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बदाना ग्राम पंचायत को नहीं, पूरी नागौर की हमारी बेटियां यहाँ बैठी है, मैं आपको विश्वास देता हूँ आगे वाला समय बच्चों आने वाला समय आपका है, अगर ईश्वर ने चाहा आपकी ताकत मेहनत रही, और जिस दिन हम कलम की ताकत के आसपास भी बैठ गए, कलम की ताकत हमारी आ गई, उस दिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो 70 साल का अंधेरा है वो खत्म हो जाएगा, न कोई अपराध होगा, न भ्रष्टाचार होगा, आपके सपनों का राजस्थान होगा और आपके सपनों का देश होगा। प्रयास जारी है। किसानों के लिए आपने देखा होगा, एक व्यक्ति किसान के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर आता है, वो 70 दिन सड़क पर बैठता है, अपने भाइयों को न्याय दिलाता है, और जब दूसरा दिल्ली की सरकार आदेश लाती है कि सेना को ठेके पे देंगे, कोई नहीं बोलता देश के अंदर। नागौर का सांसद अपने छोटे भाइयों के लिए
लोकसभा के अंदर मजबूती से लड़ता है, सड़क पर आता है और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चुनौती देता है। मोदी जी, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने तुम्हें पहले झुकाया था और हम दोबारा झुकाने के लिए दिल्ली की ओर आ रहे हैं। ये सिर्फ आपका भाई लड़ाई, पूरे देश के जवानों किसानों की लड़ रहा है। तो भाइयों, आप लोगों को इस बात की चिंता भी करनी चाहिए, वैसे आप लोग मजबूत हो, यानी क्या चिंता नहीं। जहाँ मैं खड़ा हूँ, पिछली बार जब मैंने पार्टी बनाई थी तो यहाँ मेरी पार्टी सेकंड नंबर पर आप लोगों ने रखा था, बदाना में आगे रखा था एक नंबर पे, लेकिन जाहिल में दूसरे नंबर पर रही थी। ये भी मेरे नाम ही है कि एक व्यक्ति पार्टी बनाकर इस राजस्थान में दोनों बड़ी पार्टियों एक दिशा बनाने का प्रयास कर रहा है, नौजवानों को एक नई मंजिल और नया लक्ष्य टारगेट कर रहा है। और अब तो धीरे धीरे बढ़ रहा है सारा, पार्टी को 4 साल भी हो गए। तो भाइयों, मेरे से भी आप बच्चों को एक सीखना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल जो एक बहुत आगे जा सकता था, वो उस व्यक्ति ने सारा संघर्ष अपनी झोली के अंदर लिया। उसने कहा मुझे संघर्ष करना है, मेरे भाइयों को आगे बढ़ाना है, कौम और किसान को आगे बढ़ाना है, और सत्ता छोड़ के सड़कों से सदन तक आपको लड़ता हुआ नजर आता है। तो मेरे से ये सीख लेनी चाहिए कि कभी अगर एग्जाम में कम नंबर आ जाए, कभी अभी अगर खेल के अंदर दूसरे नंबर पर रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर प्रयास करना है, फिर एक नंबर पाएंगे, फिर ज्यादा नंबर आएंगे। और सरकारी नौकरियां सब कुछ नहीं होती कि सरकारी नौकरियों के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। लोग मेरे पास आते हैं कि साहब चाहे चपरासी लगा दो, साहब कुछ ही लगा लो, सरकारी नौकरी करा दो। अरे क्या करोगे सरकारी नौकरी से? सरकारी नौकरियां सब कुछ नहीं होती। हमारा आईटी के सेक्टर के जो बच्चे हाथ पढ़ते हैं उनका 1-1 करोड़ का पैकेज है 1-1 साल का। यहाँ इंडिया के अंदर दिमाग की कमी नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड, आपने देखा होगा इंग्लैंड के अंदर तो हमारे यहाँ से जाके शिखर पे चुने गए इंग्लैंड प्रधानमंत्री बन गए ना इंग्लैंड के। भारतीय मूल के लोग इस वर्ल्ड के अंदर, आप देखिए कि वर्ल्ड में इंडिया के दिमाग की तारीफ होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ की सरकारें यहाँ के लोगों को नहीं मानी, कहीं कहीं कमी खामियां रही है, उनको दूर करेंगे धीरे धीरे। अब हमारे नेता तो सारे पैसे कमाने में लगे, आपने देखा होगा कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, सारे लग गए, कोई फॉलो नहीं करेगा कि पड़ोसी जाहिल वाली इतना कर रही है तो वो दूसरा सोचे मैं भी कम नहीं करूंगा, वो अगला उसे जेब ज्यादा काटेगा। तो ये हालात पूरे राजस्थान के हो गए। गहलोत की सरकार गिर रही है, पायलट सेम बनना चाहता है, बीजेपी के 12 दूल्हे, कोई धनी दौरी नहीं, किसको फोन करोगे बताओ मुझे? जोधपुर तो किसके पास जाओगे? कहाँ है लोग? ये तो मैं बैठा हूँ नागौर के अंदर, कम से कम ये तो फटाक से कोई व्यक्ति आ जाए। हनुमान जी मैंने फोन लगा लो, सारे फोन उठा नहीं पाता, लेकिन प्रयास ये करता हूँ कि हर व्यक्ति की पीड़ा मिटाने का काम करूँ। रात को 2-2, 3-3 बजे तक दरवाजे मेरे घर के आपके खुले हैं, और प्रदेश में घूमता हुआ कोई नजर आएगा, नागौर का आपका सांसद घूमता हुआ नजर आएगा। और भाइयों, मेरी मेहनत का परिणाम है कि पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश नागौर की ओर देख रहा है, पूरा देश ये बात भी कर रहा है कि 23 में भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उसके लिए बड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर बनेगी। ये पूरा देश इस नागौर की धरती की ओर देख रहा है। तो मेरे से ये बात आपको सीखनी है कि हमारा भाई है किस तरह लड़के आगे बढ़ा, तो आप बच्चों को भी चीज का ध्यान रखना, कभी हिम्मत नहीं हारना। मुझे पता है कि किस तरह माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं नरेगा में मजदूरी करके। अब सब जगह एक चीज बढ़िया होगी नागौर में कि जो सेकावटी क्रांति आई थी शिक्षा की, नागौर के अंदर आ गई। आज हर घर के अंदर, आज से 20 साल पहले जाते थे तो कहते हैं कि ताबरा घोना खोटी मत करो, घोना चराए कहीं करो पढ़ा। अब कम से कम ये तो हो गया कि पढ़ने के लिए तो बच्चों को भेज रहे हैं, तो जो पढ़ाई का माहौल है निश्चित रूप से लोग आ जाएंगे। मैं हमारे सारे शिक्षक जो बैठे हैं इनसे भी अपील करूंगा कि अपना इस सबका धर्म है कि एक बार जिले को राजस्थान के दूसरे जिलों के बराबरी पे शिक्षा के सत्र लाना चाहिए। कितनी मेहनत हमें करनी पड़े, ऐसे नहीं ये नहीं करना, करना है आपको, कौन करेगा? अब तेजा जी तो उतार लेंगे नहीं आपको दोबारा। आप देखिए, मैं गया उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में तो मुझे एक पुराना एमपी मिला, वो कह रहे थे कि आप उस नागौर से आते हो जहाँ से हम बछड़े लाते थे पहले 50 साल पहले, हमारे पूर्वज नागौर से बेल लाते थे, विश्व प्रसिद्ध बेल हमारा, गाय के लिए तेजा जी लड़े, गायों के लिए हमेशा लड़ाई हुई देश के अंदर। और भाइयों, लंपी से गाय चली गई, कोरोना से लोग चले गए, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेगा। इसलिए मजबूत नेतृत्व तैयार करो, अगर समझदार सरपंच होगा
पंचायत का विकास होगा, समझदार विधायक होगा अपने इलाके का विकास होगा, और समझदार सांसद होगा तो राज्य का विकास होगा। वैसे राजस्थान में तो 24 एमपी जो मोदी की जेब बोलते हैं और एक एमपी इस राजस्थान का जयकारा लगाता है कि मेरे राजस्थान के अंदर ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाओ, हम पेट्रोल डीजल 50-55-60 रुपए तक करो, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही, किस चीज का बढ़ा रहे। तो भाइयों सत्ता के साथ रह के सत्ता छोड़ना और आम आदमी की बात करना, आप जीते भी मेरे गुरुजन हैं इनको पूछ लो कि आप डीओ के खिलाफ या शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक बयान देकर दिखा दो। चलो दो शाम तक निलंबन का ऑर्डर आता नहीं आता, आता नहीं आता, ये तो हनुमान बहन वाली तुझा रहता है, मानसिक लोकतंत्र की बात करता है, मजबूती की बात करता है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। और आप कम से कम कभी ये चिंता करो, कर रहे हो चिंता कि व्यक्ति कब जाता है, कब आता है, क्या करता है, कैसे लड़ता होगा। कोटपूतली तक राजस्थान की सरकार से लड़ रहा हूँ और जैसे ही हरियाणा दिल्ली आती है तो मोदी से लड़ाई चालू हो जाती है। एक व्यक्ति सब मोर्चों में लड़ाई करके और अपने लोगों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। मुझे वो दिन भी याद है जब अटल बिहारी की रैली के अंदर 30,000 की भीड़ में मैंने कहा मेरा भी भाषण कराओ, तो बीजेपी के लोगों ने कहा नहीं आपका नंबर नहीं आएगा। वही हनुमान बेनीवाल है जो 7-7 लाख की रैलियों के अंदर दूसरे किसान के बेटों को 1-1 घंटे तक स्पीच कर रहे हैं, दूसरे बच्चों के, चाहे वो जाट था, यादव था, गुर्जर था, मीणा था, मेघवाल था, नए नेता राजस्थान के अंदर तैयार किए, उसी का परिणाम कि आज राजस्थान के अंदर ये बात चलने लगी, आज मीडिया भी ये बात करने लगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में बड़ी चुनौती दोनों दलों के लिए। ये संघर्ष का परिणाम ये आज का ही है। यहाँ बधाना के अंदर जो सारे लोग बैठे हैं इन्होंने किस तरह मेरे लिए काम किया, तमाम लोगों ने, यहाँ तक सरपंचों के 2 गुट होंगे लेकिन हनुमान जी के लिए 1 पेटी 1 गुट करके मतदान किया, उसी का परिणाम था हनुमान बेनीवाल धीरे धीरे मजबूत बनता गया और किसान कौम के खातर हर समय हिमालय की तरह खड़ा रहा। सही आपने क्या चुका के देखा होगा पिछले 15-20 साल का, सही बड़े अपराधी हो, बड़े नेता हो, माफिया हो, उनके खिलाफ लड़ने के लिए अगर कोई आया तो नागौर का सांसद था, पहले विधायक था, क्यूंसर का नागौर का सांसद और आपका लाडला जो हमेशा आपके लिए प्रयास करें। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इतनी बात करूंगा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें आगे बढ़ना। एक आजकल अखबार में पढ़ते 10वें नंबर कम आ गए, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अरे क्या सुसाइड कर लिया, ज्यादा और नंबर ज्यादा आने वाला कौन था, क्या कर लेगा, मेहनत करो, कम ज्यादा क्या होता है, सारी चीजें अपने को थोड़ी मिलती जीवन के अंदर, बताओ। अब सबको ऐश्वर्य राय थोड़ी मिलती है, शादियां होती नहीं होती गाँव के अंदर, तो फिर सारी ऐश्वर्य राय से शादी करते सारे लोग, वो तो संतुष्ट होंगे बेचारे। अपने सारी बातें मत सोचो उसको ये मिला तो मुझे ये मिलेगा, जिसका जो किस्मत में लिखा है वो ही मिलेगा। अच्छा काम होना चाहिए जो संस्कारित तरीके से हमारे साथ रहे। अब हमारे बच्चे क्या है, आजकल गाँव के बच्चों को थोड़ी सी ट्रेस आगे मिल जाती है, फटते फटते वाली जिंदगी भूल जाते हैं और ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, गलत कर रहे हैं। फॉर्चून लेने भगाई बन 150-200 पड़ जाते कहीं जाके, हमें इन चीजों का विचार करना। और बच्चों को विशेष रूप से इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाला कल आपका है, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपका भाई खड़ा आपके लिए, 1 साल और मेहनत करेंगे ये तो तय है। सरकार अगर हमारी नहीं बनी तो हमारे बिना भी राजस्थान के अंदर नहीं बनेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और अगर हमारे बिना नहीं बनेगी तो ये समझ लो कि वो हमारी होगी सरकार, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हमारी स्कूल पुरानी है, हमारी नौकरियां नहीं लग रही है, संविधान पर तकलीफ के अंदर है, बदमाशी हो रही है, सारा खत्म हो जाएगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। सरपंच साहब ने मुझे कुछ बातें बताई थी, एक तो इस स्कूल के अंदर 2 कमरों की बात कही है और एक बालिका जो हमारा विद्यालय यहाँ का, इसमें भी सरपंच साहब ने 2-3 डिमांड यहाँ करी है, तो मैं 4 कमरे लिखे हैं इन्होंने विद्यालय बदाना में, ठीक है ये करवा देंगे आपका, बिल्कुल जो आपने जितना भी कागज मुझे दिया है ना, विद्यार्थियों का नामांकन 500 से अधिक है, ठीक है बच्चों को दिया ना, कक्षा का शौचालय दोनों जगह करवा देगा। आपने जितना मुझे दिया है उतने कमरे और सारे एमपी कोटे को भी करेंगे ना, बच्चे सीमेंट वाले आए हैं आपके पास, इनकी सेवा लोग क्या करेंगे, सीमेंट वाले काम सारे के अंदर सारा
बाद में फिर प्रदूषण फैलाएंगे यहाँ पे। अभी जितना काम ले सको इन लोगों से उतना काम ज्यादा से ज्यादा आप लोग इनको कह के, इनके कौन सा घर से लग रहा है, अपना एक पैसा है खर्च करवाओ इन लोगों से, मैं भी कराऊंगा। आमंत्रित किया इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल अमित शाह इस प्रदेश के लिए, जिले के लिए, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सड़क आपके लिए कितनी अच्छी बन रही बताना चाहना, इस सड़क में भी अगर आपको लगे कि डामर कम डाला जा रहा है मुझे टेलीफोन कर देना आप, ठीक है सारा ठीक करा दूंगा। और सड़क पर खड़े रहकर 500 बढ़ो, ये पैसा बहुत मुश्किल से मिलता, पैसा नहीं है सरकारों के पास, ये तो कौन बताना कि आप बताओ सड़क कोई जाए की एमएलए राजी थोड़ी सी बनाने चाहिए, सारा एरिया कौन सा आपको पता है, आरोप भी नहीं जाता। अब ठीक बना मैंने भी अखबार में लिखा, मैंने बनवाई अखबार में तो कोई कुछ लिखा था उससे क्या, पहले बना देते ना, पहले मंत्री जी ने पहले बनाई, पिछली बार किसने मना किया था, मैंने किया था क्या मना, ये भी काम हो रहा राजनीति के अंदर, ये भी कई लोग ऐसे होते हैं काम कोई करता था जल्दी उठ के उसका बयान दे देते मैंने ये करा था, पहले के जमाने में ये होता था को बाबू कुर्सी फेंक दी लोकसभा में, अरे लोकसभा की कुर्सी बिल्डिंग होती है बाबा से नहीं उठती लोकसभा की, विधानसभा में बोले ये कर दिया वो कर क्या दिया, नोचुला की धूल के दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, अगर करते तो ये तकलीफ नहीं होती, किया कुछ भी नहीं था, कर तो मेरा हूँ तो कई लोग फॉलो कर रहे हैं, और मैं याद दिलाता हूँ और सरकार भागती है, अरे हनुमान आ जाएगा ये आ जाएगा, मेरे नाम से ही काम हो रहा है, हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो मेरे नाम से कई लोगों का काम भी बढ़ जाता है। मेरे समाज के कई नेता मुझे कह रहे थे हनुमान जी ठीक है आपके नाम से डरा धमका के छोटा मोटा काम कर रहे थे, हनुमान आ जाएगा हनुमान आ जाएगा ठीक है, मेरे काम था ऐसे बीजेपी के राज्य में करते थे कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे वो सुंदर आदमी आगे पीछे हो लेते थे ठीक है ठीक है, और तेजाजी महाराज का जयकर थ्रेट लखनऊ तक पहुँचा दिया उत्तर प्रदेश से होते हुए 3,000 से ज्यादा हरियाणा आपका नारवा कुर्ची में मंदिर में बनते थे पहले, मैं नहीं कह रहा हूँ तेजाजी ने लड़ाई लड़ी और हनुमान बेनीवाल ने उनकी संघर्ष को आगे तक पहुँचाने का काम किया। बाकी आप यहाँ कितने साल तक नेता थे 50 साल तक, कभी तेजाजी के मंदिर में मेला भरवाया क्या उन्होंने जाकर, आप तो जानते हो बलदेव जी बैठे हैं, बलदेव जी तो मेले ही भरते थे, बलदेव जी कह रहा हूँ तेजाजी महाराज के 50 साल पहले मेले क्यों नहीं भरते थे, मैं थोड़ा था 50 साल पहले नेता कट गया तो नहीं किया तो उनको भी क्या मिला, कुछ नहीं मिला, स्वर्गवास हो गया उनका, मुख्यमंत्री नहीं बने, मांचा बड़े बड़े सोचते रहेगा मैं बना चाहिए मैं बना, तो प्रयास करना है और तेजाजी के जयकारे के साथ हमें इस राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद।